हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया जिसमें आपको कुछ इस तरह की एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो ये एडिटिंग बिल्कुल यूनिक है और काफ़ी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपके लिए इसका ट्यूटोरियल ले आया हूँ। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, वहाँ पर मैं नए अपडेट डालता रहता हूँ। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले ये फोटो को लाइटरूम में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने लाइटरूम ऐड कर लिया है, उसके बाद हम जाएंगे इसके बाद जाएंगे इसमें लाइट में, इसमें एक्सपोज कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, ठीक है। उसमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। इसमें ऑरेंज पे जाएंगे, ऑरेंज पे इसकी लुमिनेस बढ़ा देंगे और इससे सैचुरेशन कम कर देंगे और ग्रीन का भी सैचुरेशन कम कर देंगे, जिससे फोटो देखे कितनी अच्छी दिख रही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी लाइटिंग लानी है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे सैचुरेशन को, इसमें लाइटिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम इस पर ब्लू पे भी इसको थोड़ा हल्का सा कम कर देंगे इसको, और इसकी थोड़ी रखना कम और सैचुरेशन भी थोड़ी रखना। तो सबसे फिर ब्लू पे जाने के बाद सैचुरेशन बढ़ा देंगे। इसके बाद हम जाएंगे मिनटेज बढ़ा देंगे, इसकी मिनटेज कम कर देंगे, ठीक है। मिनटेज कम करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, उस पर नॉइज रिडक्शन बढ़ा देंगे इसकी, और कलर रिडक्शन बढ़ा देंगे। तो देखिए एक मिनट, तो देखिए अब यहाँ से फ़ोटो को बढ़ा लेते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं सेट कर लेता हूँ अच्छे से। और देखिए फ़ोटो कितनी अच्छी हुई है एडिट। तो अब यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेंगे, रीडोट पर गए और यहाँ से सेव कर लेंगे। तो अब चलते हैं पिकआर्ट में, तो पिकआर्ट में चलते हैं। इसको फ़ोटो को सेव हो जान दीजिए, फिर हम पिकआर्ट में चलते हैं। पिकआर्ट में आ गए हैं, मैंने फ़ोटो ले लिया, पिकआर्ट में आ गया, फ़ोटो ले लिया। इसमें बस हम PNG ऐड करनी है और कुछ नहीं करना, सिर्फ PNG करने के। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं लगाऊँगा PNG, पहले ऐड PNG करूँगा, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम FX Effect में, पहले से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद जाना है FX Effect में, ठीक है। FX Effect में जाके कलर पर जाना है, कलर पर जाके इस जिस ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ये वाइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये सेट हो गया, ठीक है। इसे आप बढ़ा सकते हो, मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा वाइट डार्क दिखे, इसलिए। तो यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, इसे एक और PNG ऐड करनी है, ये वाली। इसको सिर्फ आपको ऐड करनी है, कुछ नहीं करना है इसके साथ। इसको सेट करके इस दिल के ऊपर, दिल वाले निशान के ऊपर सेट करनी है और ये नीचे का इरेज कर देना है, ठीक है। तो ये सेट हो गया, अब इसे इरेज, एक मिनट, ये सेट होने सेट कर देता हूँ। फिर सेट हो गए, इरेजर पे जाकर इसे इरेज कर देना है। तो देखिए राइट क्लिक कर दिया है, सेट कर दें, तो हो गया है। देखिए यहाँ से हम फोटो को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, जिस अगर आपको एडिटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।